मुझे भी इस पार्टी में 15 साल हो गए हैं ठाकुर साहब। हाँ, आपसे कभी कोई नाजायज मांग तो नहीं की है? लेकिन इस कैबिनेट के लिस्ट से साफ जाहिर होता है कि आपने हमारे सारे आदमियों को नजरअंदाज कर दिया है। आपने हमारे सारे आदमियों को नजरअंदाज कर दिया है। हाँ, नहीं, हम मानते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों की बात है। अब जब नए पोर्टफोलियोज बनेंगे तो हम आपके आदमियों को ले लेंगे। इसका तो सिर्फ एक ही मतलब हुआ ठाकुर साहब, कि अभी हमें आपसे कोई भी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। मतलब तो बहुत होते हैं दुबे, लेकिन पॉलिटिक्स में उत्तेजित होने से क्या फायदा? वाकई ठाकुर साहब, अब सही कहते हैं। पॉलिटिक्स में उत्तेजित होने से क्या फायदा? और हम तो बिल्कुल बच्चों की तरफ बह गए थे। विजय कुमार के पास 25 कॉलेज का सपोर्ट है और तकरीबन इतना ही अजय के पास। हमारे पास कुल 10 या 11। अब रह जाते हैं शहर से बाहर के 10 कॉलेज जो कि हमारी यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं। अब इनका सपोर्ट कहां जाएगा कुछ कहा नहीं जा सकता, पर पिछले 2-3 साल से तो ये अजय को सपोर्ट करते आ रहे हैं। यानी कि हमारी पार्टी के जीतने के चांसेस बहुत कम हैं। हाँ, अगर कुछ वक्त और होता हमारे पास तब तो शायद हम ज्यादा कॉलेज का सपोर्ट खड़ा कर सकते थे। इन सब बातों में कोई दम नहीं। चाल भले ही हमने गलत चली हो, लेकिन अब देखना यह है कि बाजी को बचाएं कैसे। ये काम इतना मुश्किल तो नहीं लगता। मिसाल के तौर पर अगर हम विजय कुमार को सपोर्ट करें तो क्या वो इलेक्शन जीत जाएगा? हाँ, बिल्कुल जीत जाएगा। तो फिर उससे कुछ सौदा किया जाए। यही तो नहीं हो सकता पांडे जी। क्यों भाई, उसे इलेक्शन जीतना पसंद नहीं? जीतना पसंद है, सौदा नहीं। फिर तो वो गलत अखाड़े में आकर खड़ा हो गया। उसे तो 2 धड़ मार के यहां से भगा देना चाहिए। नहीं, ये तो बिल्कुल ठाकुर साहब का ही तौर तरीका हो जाएगा। इसे तो पूरा खेल बिगड़ सकता है। देखो अजय, ये बहुत ही जिम्मेदारी का काम है। अरविंद और हमारी पार्टी को किसी भी हालत में ये इलेक्शन जीतना होगा। हमारी नाक कटनी नहीं चाहिए। ये दुबे ने थोड़ी नहीं ज्यादा ही तकलीफ खड़ी कर दी है, लेकिन तुम उसे संभाल सकते हो। ठाकुर साहब, डर इतना दुबे जी की पार्टी का नहीं है जितना विजय कुमार का है। ये कौन है? है एक बहुत ही ईमानदार स्टूडेंट लीडर, बहुत कुछ किया है स्टूडेंट्स के लिए। आजकल उनकी पार्टी चलाता है विद्यार्थी संगठन। अच्छा, बहुत सपोर्ट है उसके पास बहुत सारे कॉलेजेस का, और उसके वोट्स तोड़ना भी बहुत मुश्किल बात है। तो फिर तुम क्या कर रहे हो? ठाकुर साहब, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, करो, और जरूरत पड़े तो कल मुझे आके मिलना। हाँ जी, मैं चलता हूँ। मैं एक बात जानता हूँ, पिछले 20 साल से ठाकुर का एक भी आदमी इलेक्शन ही हारा है, और फिर तुमने तो बेड़ा उठाया है उसके बेटे को मात देने का। मेरे ख्याल से तो लोहे को लोहा ही काटता है। आगे तुम्हारी मर्जी। अच्छा, मैं चलता हूं। भैया, मुझे लगता है पांडे जी सही कह रहे हैं। पांडे जी अगर सही होते तो ठाकुर साहब के खिलाफ खुद आवाज उठाते, हमारे यहीं चक्कर नहीं काटते। इस आशा में कि शायद हम जीत गए तो उनका भी फायदा हो सकता। अच्छा, तो ये बताइए ठाकुर साहब, इस साल यूनिवर्सिटी के इलेक्शन के बारे में आपका क्या ख्याल है? जी छोड़िए जी, बच्चों के खेल है, हम कहाँ उसमें फंसेंगे। क्या ये बात अहमियत नहीं रखती कि आपका लड़का भी इस साल इलेक्शन में खड़ा हुआ है? आप अपोजिशन वाले हर वक्त यही सोचते हैं कि हर इलेक्शन में हमारा हाथ है। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है भाई। हम तो यही चाहते हैं कि
सही उम्मीदवार चुना जाए। सही बात है, सही उम्मीदवार चुना जाए तो हर काम सही होता है। उसे शाह ने आपको बुलाया। लेकिन एक बात जरूर है कि यहाँ सही उम्मीदवार चुना ही कहा जाता है। लीजिए ना। नहीं, मैं लेता हूँ, आप लीजिए। मैं जरा बाकी मेहमानों को देखता हूँ। आप लीजिए, आप लीजिए। हमारे मरहूम दोस्त का बेटा है अजय। अरविंद की मदद ये करेगा? हाँ, और हम उसकी कर रहे हैं। ठाकुर साहब, पार्टी तो बहुत लाजवाब है, लेकिन आपका बेटा अरविंद कहीं नजर नहीं आया हमें। हमें भी आजकल वो बहुत कम नजर आता है। सुरेश, इस साल इलेक्शन के लिए पार्टी ने राज का नाम चुना है। सोच लो अरविंद, मेरे पास भी काफी कॉलेजेस का सपोर्ट है, शायद राज से भी ज्यादा। मतलब? तुम समझदार हो यार, तुम्हारे खिलाफ जो पार्टियां हैं उन्हें शायद मेरा सपोर्ट बुरा नहीं लगेगा। मैं चलता हूं। इसका पंख फैलाना हमारे लिए भारी पड़ सकता है। अगर इसने दूसरी पार्टी को सपोर्ट करने की सोचे भी ना, तो उसके हाथ पांव तोड़ देंगे। ये किसके हाथ पैर तोड़ने की तैयारी हो रही है? हाँ अजय, इलेक्शन में नाम तो राज का ही नॉमिनेट होगा ना? हाँ बिल्कुल। क्यों? सुरेश आया था। अच्छा, उल्टी सुल्टी बातें कर रहा था। घबराना नहीं है, नॉमिनेशन फाइल होने के पहले मैं उसको पटा लूंगा। नाम तो राज का ही नॉमिनेट होगा। ये तो कुछ भी नहीं। हाय। हाय विजय। हाय। हेलो कल्पना, क्या आप लोग अकेले आए हैं? नहीं नहीं, सतीश और जावेद भी आ रहे हैं। पता नहीं ये लोग कहाँ रुक गए हैं। चलो यार चलते हैं। सतीश तू चल रहा है क्या? नहीं, बोर्ड नहीं है। कम ऑन यार, वैसे इधर बैठ के क्या करने वाले तुम लोग? क्यों बे, कहाँ ले जा रहे इसे तू? जन्नत में चलोगे? परियों के पास। और यार वैसे भी जावेद अपनी उम्र नहीं है डांस वांस करने की। अब देख यार, तू इसे भी अपने लाइन पे लगा रहा है यार। ठीक है, संभाल ले तू, लगे रहो। क्यों मेरे शेर? हमें वहां नहीं जाना चाहिए। सतीश, आओ भाई। मोहन भाई कैसे हो? क्या हुजूर, यहाँ कैसे? मैं तो यूं ही गुजर रहा था, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओ, शेखर के कॉलेज वालों का प्रोग्राम है पास के हॉल में। अच्छा अच्छा, डांस वांस का चक्कर है? डांस वांस। हाँ भाई, मजे करो। विजय कैसा है? विजय ठीक है, मिलोगे उसे तो बुला देता हूँ। नहीं यार, अभी थोड़ा जरा जल्दी में हूँ, फिर कभी। जरा काम दे रहे, लाओ सिगरेट दो। सिगरेट दो भाई, सिगरेट दो साथ। चलो ओके। अरे मोहन भैया, कुछ पैसे दे दीजिए। हाँ जरूर जरूर, ले लो। ओके थैंक यू। चल बे, अबे जल्दी कर। ये कौन था? कौन? ये मेरे बड़े भाई जैसे। हाँ, तो मालूम है आलोक की समाज में इन चीजों को बुरा क्यों माना जाता है? मैं बता, सब इसकी वजह से। जिसके पास ये है वो साला राजा आदमी है। तेरे पास कुछ पैसे हैं ना? हाँ, 100 रुपीज हैं। 100 रुपीज? हाँ, तो मैं क्या कर रहा था कि अगर ये जगह होती ही नहीं तो हम यहाँ आते ही नहीं। क्यों? बैठो। सफेद बाल का जवान बोलता है, मैं हेमा मालिनी हूँ। अरे श्रीदेवी, बोल श्रीदेवी, सब चलूंगी। कांटी का जमाना नहीं है, दाल चावल का भाव भी बढ़ गया है, क्या लड़कियों का भाव भी बढ़ेगा? यह भी भाव फूल करता है। चल भाई चल, अपना इधर नहीं बनेगा यार।
लुखे दिखाई नहीं देता क्या? बाप को भी दिखाई देगा क्या इस अंधेरे में? तुम जाओ सवाल संभाल के बात करना क्या? तेरी तो जाओ मेरी बात टू विन वन विकेट ठीक है यार ठीक है मैं डांस के लिए सिक्स बॉल्स टू गो व्हाट एन एंडिंग टू अ ग्रेट मैच क्या बात ये अंदर जाना चाहता है आपके पास टिकट या पास है नहीं है तो आप अंदर नहीं आ सकते अच्छा अरविंद को बुला दोगे अरविंद को बुलाइए सुनील अरविंद को बुला रुको रुको वहां पर आता है अभी क्या हुआ वो देखो राज तुम बाहर क्या कर रहे हो यार ये लोग मुझे अंदर नहीं आने दे रहे हैं कौन विजय कुछ नहीं होगा हाँ तो अच्छा ही है ना विजय मुझे लगता है अपने लोगों को बता देना चाहिए बातचीत बढ़ भी सकती है हाँ। अरे सुरेश जल्दी नीचे उतर अरविंद आया जल्दी तुम्हें पता अरविंद और राज यहाँ है अच्छा तैयार रहना और बाकी लोगों को भी बोल दो दीपक शैलेश रवि को बोलना तैयार है समझे छोड़ दो ना यार एक को छोड़ूंगा तो और सबको भी छोड़ना पड़ेगा तो तुम उसे अंदर नहीं आने दोगे नहीं आगे तकलीफ हुई तो मुझे मत कहना चलो राज हेलो पुलिस हम इंपीरियल होटल से बोल रहे हैं यहाँ दंगा होने वाला है आप जल्दी आओ प्लीज ओके साले बास्टर्ड्स देख लेंगे उन्हें अरे ये क्या हुआ कुछ नहीं हुआ नथिंग कुछ नहीं थोड़ी सी मारपीट बस मुझे पहले से डाउट था कुछ होने वाला है डाउट तो हम सबको था यार लेकिन पहले से हॉस्पिटल ले चलते चल 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 अब आप क्यों रुकी हैं चलो